नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हरियाणा की खबर। हरियाणा में नायब सरकार ने विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हरियाणा से मिल रही है। नायब ने सैनी ने अपना प्रस्ताव सरकार बनाने को लेकर विधानसभा में रख दिया है और सीएम नायब सिंह सैनी ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया जिसमें कुछ ही देर में वोटिंग होगी, मतदान होगा। तो ये बड़ी जानकारी हरियाणा से, कल ही उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, उसके बाद शपथ का कार्यक्रम शाम को रखा गया था। माननीय सांसद और माननीय मुख्यमंत्री सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। अब मैं ऐसा इसमें टाइम मुकर मत करो, जो साथी बोलना चाहते हो उनको बोलने दो। इतना कितने कोई 5 मिनट बोले, मुझे लगता है कि ठीक है आपकी बात। अगर आप कहते हैं तो 1 घंटा कर देते हैं। सदन जैसा कहेगा मैं सदन की राय से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। सदन की राय तो मेरे को मालूम है, लेकिन जो हमारी भी राय मानो आप, जो सदन कहेगा समझे नहीं। 1 घंटा कर दे क्या है? 1 घंटा कर दे हमारे है क्या? देखो प्रजातंत्र में कोई टाइम तो मेजोरिटी है, बट अपोजिशन एज दिस से मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। आप बताइए जितना बोला, जो मेंबर बोलना चाहे उनको बोलने दो। आप क्या क्या मैं ये कहा, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता। चाहिए तो था प्रॉपर टाइम देना, कोई इमरजेंसी नहीं थी। हम भी राजनीतिक जीवन में रहे हैं, इमरजेंसियां भी देखी है, इमरजेंसी में सेशन भी हुए हैं, लेकिन इट वॉज नॉट दैट इमरजेंट कि भी रात को 12:30 बजे या 11 बजे या 10:30 बजे आप समन जारी करो और सवेरे सेशन 12:30 बजे। खैर एनी हाउ मैं उस कंट्रोवर्सी में पड़ता। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो इन्हें किया, काफी मेंबर रास्ते में हैं, आने वाले हैं, गिव टाइम, हाफ एन आवर के बाद फिर बैठ जाएंगे हम। नो प्रॉब्लम। तो देखिए किस तरीके से जो सियासत है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है और विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव भी यहां पर दे दिया गया है। और इस वक्त यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, और क्या जानकारी, क्या तैयारी होगी आज बीजेपी की, क्योंकि फ्लोर टेस्ट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जेजेपी में भी फूट पड़ने की खबर है। देखिए बिल्कुल, जेजेपी में फूट तो कल ही कन्फर्म हो गया था जब विश्वास मत जब राज्यपाल के पास समर्थन पत्र लेकर पहुंचे थे, उसके बाद जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें भी कई जेजेपी के विधायक मौजूद नजर आए, जबकि साफ था कि अब जेजेपी के साथ गठबंधन बीजेपी का नहीं रहा। इसके बावजूद भी वहाँ पर आए तो वो जेजेपी की फूट की ओर इशारा करता था। आज जब व्हिप जारी किया गया और व्हिप जारी करके जेजेपी की तरफ से कहा गया कि कोई भी विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आज हिसार में रैली है तो सभी विधायकों को हिसार रैली में पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी 4 से 5 विधायक जेजेपी के विधानसभा में पहुंच गए हैं। तो जाहिर है कि अब जेजेपी दो फाड़ हो चुकी है और ये दो फाड़ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि अब व्हिप का उल्लंघन करने पर हो सकता है दुष्यंत चौटाला इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, लेकिन इन विधायकों ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि अब वो बीजेपी के पाले में है। और माना यही जा रहा है कि ये जो विधायक बीजेपी के साथ आए हैं आने वाले विधानसभा चुनावों में, ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने बगावती तेवर साफ कर दिए हैं। जी बिल्कुल यतेंद्र, लेकिन दर्शकों को जरा ये भी समझाइएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं जेजेपी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी के साथ ही है, तो अब तक जेजेपी के साथ सरकार में होने के क्या मायने थे? निर्दलीय चूंकि पहले ही बीजेपी के साथ रहे हैं, जेजेपी के भी कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, बहुमत तो पहले से ही बीजेपी के पास है। यहाँ देखिए बिल्कुल, बहुमत बीजेपी के पास था जब सरकार सत्ता में आई थी, तब उस वक्त जेजेपी के सहारे की जरूरत थी, क्योंकि अपने भरोसे लाने के लिए उन्हें जितने विधायक चाहिए थे उतने विधायक बीजेपी के खाते में, यानी कि बीजेपी के जो विधायक थे वो जीत कर नहीं आ पाए, तब जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ। लेकिन इसके साथ ही कई निर्दलीय विधायक, जो 7 निर्दलीय विधायक चुनाव जीत कर आए थे, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने जेजेपी का साथ रखा। लेकिन जिस तरह से
पूरा कार्यकाल नजदीक खत्म होने को आया, उसमें कहीं ना कहीं दोनों की राहें इस लोकसभा चुनाव को लेकर टकराती हुई नजर आई, क्योंकि जेजेपी कम से कम 2 से 3 लोकसभा सीटें मांग रही थी और बीजेपी का कहना था कि वो लोकसभा 10-10 अपने दम पर जीती और इस बार भी वो 10-10 लोकसभा अकेले दम पर लड़ना चाहती है। ऐसे में विधानसभा में तो गठबंधन कर सकते हैं विधानसभा चुनावों के लिए, लेकिन लोकसभा में संभव नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से दोनों की राय अलग हुई और इसी वजह से दोनों के और सरकार को खतरा ना हो, तो इसी वजह से जेजेपी के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में आए। चुनाव से पहले ये बड़ी यहाँ पर सुखबुगाहट देखने को मिली, एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया, लेकिन एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है विधानसभा की कार्यवाही के थोड़ी देर बाद जेजेपी के विधायक सदन से बाहर चले गए। और आपको बता दें कि पार्टी ने व्हिप जारी किया था जेजेपी के विधायकों के सदन से गैर हाजिर रहने को लेकर, और बावजूद इसके जेजेपी के 5 विधायक सदन में नहीं पहुंचे, सदन में पहुंच गए थे, जिसे लेकर अब कार्रवाई भी हो सकती है। सदन में पेश ना होने को लेकर यह पूरा व्हिप जारी किया गया था, लेकिन कहा यह जा रहा था कि 5 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और कुछ बड़ा फेरबदल जेजेपी के अंदर खाने भी हो सकता है। इससे पहले लोकसभा की 2 सीटों की मांग जेजेपी की ओर से बीजेपी की सामने रखी गई थी, लेकिन बीजेपी उसके लिए तैयार नहीं हुई और अब यह बड़ा फेरबदल होता हुआ यहां साफ दिख रहा है। यतेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। यतेंद्र, यहां पर जेजेपी का राजनीतिक भविष्य यहां से क्या नजर आता है? पार्टी में 2 फाड़ दिखाई दे रहा है, बीजेपी के संपर्क में उसके विधायक हैं, जेजेपी का क्या भविष्य होगा? देखिए, बिल्कुल जेजेपी को अब अपना राजनीतिक भविष्य एक तरह से कह सकते हैं दांव पर लगा हुआ, और ऐसे में उसे संघर्ष की जो रणनीति है उसी पर काम करना होगा, क्योंकि जब पहले विधानसभा चुनाव हरियाणा के हुए थे तब भी जेजेपी बीजेपी का विरोध करते हुए अलग अलग चुनाव लड़े थे, हालांकि दोनों का बाद में गठबंधन हुआ, लेकिन ये चुनाव के बाद हुआ। अब एक बार फिर से वही परिस्थितियां आई हैं, तो ऐसे में जेजेपी को अपने वोटर को अपने कैडर को ये समझाने में बड़ी मुश्किल होगी कि 4.5 साल तक तो दोनों साथ रहे, लेकिन जब चुनाव की बात आई तो दोनों एक साथ अलग हो गए। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो जाट वोट बैंक है वो जाट वोट बैंक बट जाए, आपस में एकजुट सीधे कांग्रेस के खाते में ना जाए, तो ऐसे में बीजेपी और जेजेपी का ये समझौता हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये बात करना बेईमानी हो जाएगी, या कह सकते हैं इस बात पर कि जेजेपी का जिस तरह से 2 फाड़ बीजेपी ने किए हैं, तो ये बात करना बेईमानी हो जाएगी कि ये जेजेपी और बीजेपी की रणनीति है, यानी कि कुछ भी सियासत में हो सकता है। ये एक तरह से अंदर पर्दे के अंदर का भी समझौता हो सकता है, या फिर सच में बीजेपी कहा यही जा रहा है कि आगे का जो प्लानिंग है वो दिख जैसी रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अंदर खाने बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर ही आपस में कोई कोऑर्डिनेशन बनाया है, प्लानिंग की हुई है। आपका बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।